ज़ेनो ड्रैगन बॉल के पूरे मल्टीवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर जो जब चाहे पूरे मल्टीवर्स को हकाई कर सकता है। क्या ज़ेनो को भी पेला जा सकता है? ज़ेनो से सब इतना क्यों डरते हैं? और एंजल्स, जिनकी पूरी ड्रैगन बॉल कम्युनिटी दीवानी है और सब ड्रैगन बॉल फैंस को बस यही लगता है कि एंजल्स की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से अच्छी टेक्निक कोई है ही नहीं, है ना? लेकिन मेरे भाई ज़ेनो तो हकाई यूज करता है एक गॉड वाली टेक्निक, फिर वो एंजल से ज्यादा ताकतवर कैसे? सभी एंजल्स उसके अंडर काम क्यों करते हैं? ऐसा क्या है जो एंजल्स नहीं कर पा रहे हैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट होने के बावजूद भी? लेकिन ज़ेनो एक हकाई टेक्निक जिसको सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज करते हैं उसी को यूज करके सबसे ऊपर है, ऐसा क्या है? और इस चीज से जुड़ा सवाल कि जो टॉप 5 फाइटर्स हैं पूरे मल्टीवर्स में, क्या वो सभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करते हैं या सब अपनी अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं जिनका लेवल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरह है? जैसे कि ज़ालमा कोई एग्जांपल के ले लो, सबसे बड़ा गॉड ऑफ क्रिएशन टाइप का कैरेक्टर है वो अभी, क्योंकि ड्रैगन बॉल्स बनाता है वो, तो क्रिएशन की थोड़ी पावर तो उस पे है। और उन सुपर ड्रैगन बॉल से आप कुछ भी विश मांग सकते हो, तो क्या ज़ेनो को ऐसे टपकाया जा सकता है विश मांग के? क्या वो विश मांगना पॉसिबल है? आज सभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अनभक्तों को पता लगेगा कि भाई कौन है भयंकर, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंजल्स या मल्टीवर्स गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ज़ेनो। हेलो फैंडम, मैं हूं आपका दोस्त क्रिजीटा और आप भी इस बहुत खतरनाक पलंग तोड़ टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब क्या है और क्यों है और कौन है कितना ताकतवर। तो पॉइंट नंबर 1 शुरू करते हैं कि ज़ेनो के पास ऐसा क्या है जो एंजल्स के पास नहीं है। तो हमने देखा है कि ज़ेनो के लिए किसी यूनिवर्स को पलक झपकते ही हकाई करना मजाक है, मतलब पलक झपकते भी नहीं होगी वो हकाई कर देता है, इतनी स्पीड हकाई की है उसकी। और यहाँ तक कि मल्टीपल यूनिवर्सेस को हकाई करना भी उसके लिए बहुत मजाक की बात है, और यहाँ तक कि पूरे मल्टीवर्स को हकाई करना। वहीं दूसरी तरफ एंजल्स भी हकाई को यूज करना जानते हैं, लेकिन उसी के साथ उनकी एक बड़ी फेमस टेक्निक है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसके पीछे सारे ड्रैगन बॉल फैंस बावले हुए पड़े हैं कि बस ओहो अब तो बस गोकू ज़ेनो को भी मार देगा भाई, ओ माय गॉड, मतलब रुको भाई रुको रुको जरा सबर। जब एंजल्स भी हकाई कर सकते हैं तो उन ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक को बनाना पड़ा, सीखना पड़ा, जिससे कि वो लोग यूनिवर्स में तगड़े से तगड़े फाइटर से लड़ाई कर सके, चाहे वो मॉर्टल हो या इमॉर्टल हो? इसका जवाब इतना सिंपल है कि तुम सुन ही लो। तुम ज़ेनो की हकाई टेक्निक एंजल से सुपीरियर है, और एंजल से क्या जितने भी इमॉर्टल और मॉर्टल्स हैं उन सबसे ज्यादा सुपीरियर है, और इतनी सुपीरियर है कि उनके पास और कोई चारा नहीं था ज़ेनो के अंडर काम करने के अलावा। और दूसरा कारण ये भी है कि जिससे कि ज़ेनो बावलों की तरह सारे यूनिवर्सेस और मल्टीवर्स को तबाह ना कर दे, उसको कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि ज़ेनो का दिमाग तुमने देखा ही एक पीनट जितना है। और देखो एंजल भी कोई ज्यादा वीक नहीं है, एंजल भी ओवर पावर्ड है, अगर एक एंजल चाहे तो सभी यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है या सकती है, लेकिन क्या फायदा जब ज़ेनो एक एंजल के एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दे? लॉजिक समझ रहे हो? ज़ेनो की हकाई ओवर पावर्ड है, या बोलूं ओपी है एकदम, मतलब फाइटिंग करने की बात आए तो ज़ेनो फाइट नहीं कर सकता, ये हम सबको पता है। या फिर अभी कुछ छुपाया जा रहा है, क्योंकि आगे जाके पता लगेगा कि क्या ज़ेनो प्रॉपर्ली फाइट कर भी सकता है या नहीं, क्योंकि वो भी एक बच्चा है और हम उसको जज नहीं कर सकते कि वो फाइट कर सकता है या नहीं। लेकिन वो बच्चा है, फाइट नहीं कर सकता ये जरूरी नहीं है, वो हकाई कर देगा उनको ये जरूरी है, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट जिस स्पीड से उस पे हमला करेगा, अगर उसकी भी करोड़वें हिस्से से भी कम समय में ज़ेनो उस चीज को हकाई कर देगा, मतलब अब वो चाहे तो पूरे मल्टीवर्स को हकाई कर देगा और ग्रैंड प्रीस्ट को हवा तक नहीं आएगी और उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को वो जगह भी नहीं पाएगा और वो खत्म, और कोई आफ्टर यूनिवर्स नहीं, उसका एग्जिस्टेंस खत्म, कोई एंजल ग्रैंड प्रीस्ट खत्म, सब खत्म फिनिश। तभी तो ज़ेनो का जलवा है, तभी तो ज़ेनो के रहने की जगह भी अलग है, और वो भी बड़ी रहस्यमय जगह है, पता नहीं ड्रैगन बॉल में क्या क्या अभी रिवील होना बाकी है। तो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये सब जिस चेन में काम करते हैं, जिससे कि मॉर्टल्स को वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकें। लेकिन भाई ज़ेनो एंजल्स को मार सकता है या नहीं, ये पॉसिबल है या नहीं? क्योंकि अगर उसने उनको मार दिया तो वो सारी चीजें मैनेज कैसे करेगा? अगर रही मारने की बात तो ये तो पॉसिबल है, 100, 200, 300 जितने परसेंट श्योर होना है होलो, ये चीज पॉसिबल है तो है। और वो चीज हम देख भी चुके हैं कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में किस तरीके से वो पूरे यूनिवर्सेस गायब कर रहा है मस्ती में बैठ के, वहां पे उसके हाथ में टैबलेट है और वो यूनिवर्सेस को गायब कर रहा है, उसके लिए वीडियो गेम चल रहा है। और एंजल्स की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कितनी भी सुपीरियर हो, वो ज़ेनो के आगे नहीं टिक सकती, तो नहीं टिक सकती, सिर्फ यही फैक्ट है, जिसको खुद टोरियामा टोयोटारू ने अगर चेंज करने की कोशिश करी तो ज़ेनो उनको भी हकाई कर सकता है, कुछ ज्यादा हो गया। तो इस चीज से एक चीज तो क्लियर हो गई कि हकाई पावर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बेटर है, करो तुम मना, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर ज़ेनो की हकाई पावर की बात करें तो
ग्रैंड प्रीस्ट की एंजल टेक्निक या जालामा, ये जो भी हैं टॉप 5 फाइटर्स, ये भी कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी लॉजिक लगा लो तुम, लोग ज़ेनो सब हकाई कर सकता है, सिंपल सा फैक्ट यही है। लेकिन अब तुम लोग एक और चीज समझो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बनने का जो मेन कारण है वो है बैलेंस इन इमॉर्टल्स के बीच। ठीक, जैसे टॉप 5 फाइटर्स हैं ये सब, ये हम सब ने ड्रैगन बॉल सुपर में देखा है जब बीस गोकू को बताता है, और हम सब जानते हैं कि सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट ही इस टेक्निक का सबसे सुपीरियर यूजर है अब तक, और उसको लड़ते हुए हमने आज तक नहीं देखा है। और जालमा के बारे में भी हम एक छोटी सी चीज जानते हैं कि वो सुपर ड्रैगन बॉल्स को बना चुका है, और बाकी के जो 3 फाइटर्स हैं वो कौन, क्या उनके बारे में आप लोगों को एक प्रिडिक्शन वीडियो चाहिए पूरी डिटेल में जैसे मैं आजकल बना रहा हूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से सुपीरियर भी तो बहुत टेक्निक होंगी, वो हम सब आगे आगे जब स्टोरी डेवलप होगी उसमें देखेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन यार सुपर ड्रैगन बॉल से विश भी तो मांगी जा सकती है कि ज़ेनो को मारा जा सकता है, बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा, है ना। तो मैं तुम्हें सिंपली इस चीज को भी समझाता हूँ। याद है गोकू ब्लैक वाली आर्क, उस आर्क में सब मर जाते हैं, ग्रैंड प्रीस्ट, एंजल्स, सब, लेकिन कौन जिंदा रहता है? ज़ेनो। वही ज़ेनो तो अब ज़ेनो के साथ खेल रहा है जो एग्जिस्टिंग टाइम वाला है। तो ज़ेनो क्यों नहीं मर पाता? क्योंकि ज़ेनो ही पूरे मल्टीवर्स का एग्जिस्टेंस है। अगर ज़ेनो खत्म तो ये पूरा मल्टीवर्स खत्म, कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं बचेगा, सब स्पेस में चेंज हो जाएगा, सब ब्लैक हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ज़ेनो ही एग्जिस्टेंस है, इसीलिए भी ये जो इमॉर्टल्स हैं, एंजल्स हैं, ये सब ज़ेनो की रिस्पेक्ट करते हैं, और ज़ेनो के पास अपने खुद के गार्ड्स भी हैं। तो इन सभी बातों का मतलब क्या हुआ कि हकाई सबसे खतरनाक है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से भी, हाँ अगर ज़ेनो के केस में बात करें, और ना अगर हम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के केस में बात करें। क्योंकि अभी बहुत से लोग गोकू वर्सेस वेजिटा कर रहे होंगे मन मन में, मुझे पता है तुम सोच रहे होंगे कि वेजिटा तो बस अब सीखने वाला है ज़ेनो के लेवल का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और वो गोकू की ले लेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, तुम्हें बताया था ना मैंने, गोकू टोरियामा का बच्चा है और ऐसा वो नहीं होने देगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यूजर और उसकी टेक्निक की जो यूज करने की क्षमता है उसी पर सब चीज डिपेंड करती है। एक वेजिटा भी यूज करता है, हकाई, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस भी, और ज़ेनो भी। लेकिन ज़ेनो फिर भी एंजल्स का बाप है, क्यों? क्योंकि वो एंजल्स की टेक्निक उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ज़ेनो की हकाई की टेक्निक इतनी ज्यादा कमाल की है। सिंपल सा फैक्ट है, इस चीज को अपने दिमाग में गांठ बांध लो, अगर कोई पूछे तो तुम्हें पता है आप किस तरीके से जवाब देना है। ये वही सिंपल सा फैक्ट हुआ कि गोकू की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और ग्रैंड प्रीस्ट की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और बीस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जिस तरीके से डिफरेंस है, उस तरीके से ही डिफरेंस है हकाई टेक्निक में, और हकाई टेक्निक अभी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से सुपीरियर है क्योंकि ज़ेनो सबसे ऊपर है। और अगर लॉजिकली देखा जाए तो हकाई टेक्निक ही सबसे ज्यादा सुपीरियर टेक्निक है। जब तुम किसी के एग्जिस्टेंस ही मिटा सकते हो तो तुम क्या करोगे उससे लड़के? तुम जब तक किसी को मुक्का मारने जा रहे हो वो तुम्हें मिटा दे रहा है, भाई तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म, समझ रहे हो हकाई टेक्निक की पावर। वैसे मजा आ रहा है सोच के कि वेजिटा बहुत खतरनाक होने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हैं। और सोचो यार, ये सब जो चीजें वापस लाई जा रही है जैसे कि गोजिटा, ब्रॉली, बारडॉक और ये सारी स्टोरी, और नए नए तरीके के गैस वगैरह पाथ जैसे फाइटर्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी स्टोरी आगे बहुत ज्यादा डेवलप होगी मेरे भाई, और ये जो आजकल के बच्चे हैं ना ये भी बुढ़े हो जाएंगे। अब तब तक चलने वाला है ड्रैगन बॉल सुपर, ड्रैगन बॉल जगत में फिर से आग लगने वाली है और बहुत कुछ। और मेरे सभी आइंस्टीन साइंस जिन्होंने यहां तक वीडियो देखी है ना, वो कमेंट सेक्शन में हैशटैग के साथ क्रिजिटा लिखना मत भूलना। मुझे पता तो लगे यार कितने लॉयल व्यूवर्स हैं भाई के। और अब तुम लोगों को पता है जो भी करेगा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस अल्ट्रा ईगो या फिर हकाई और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट या कुछ भी, सिर्फ पूछना सबसे पहले कि यूजर कौन है। ठीक, क्योंकि यूजर पे ही डिपेंड करता है कि टेक्निक कितनी पॉसिबल है। और भाई क्या है ये इतनी ज्यादा कंजूसी, फॉलो करो यार। मैंने डीपी लगाई, मुझे पता है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना यार, क्या पता मैं फेस रिवील ही कर दूं डीपी लगा के। तो इंस्टाग्राम का लिंक पिन कमेंट में सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कामेहा मेहा।